नमस्ते, मैं हूँ देवलीना एंड आप सबका पॉपसिकल चैनल में स्वागत है। टाइटल एंड थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया है कि आज मैं किस विषय में चर्चा करने वाली हूँ, किस टॉपिक में चर्चा करने वाली हूँ। जी हाँ, वो है मेंस्ट्रुअल कप। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि कौन कौन अभी भी पैड्स यूज़ करते हैं या टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो जो लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता लगे। अभी भी कई सारी लड़कियां पैड्स का इस्तेमाल करती हैं, कई सारी औरतें पैड्स का इस्तेमाल करती हैं। आई यूज्ड द लास्ट पैड ऑफ माई लाइफ, क्योंकि इसके बाद मैं अभी पैड यूज़ नहीं करने वाली हूँ। सैनिटरी नैपकिन मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पैड्स के इस्तेमाल से जो पैड्स होते हैं, जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक और वो डिकम्पोज होते ही नहीं है। तो सालों साल तक वो धरती पर ही है, पैड्स यूज किए हुए पैड्स हैं, वो अभी तक डिकम्पोज नहीं हुए हैं। एंड एक लड़की एक दिन में 3-4 सैनिटरी पैड्स चेंज करती है, सैनिटरी नैपकिन चेंज करती है। एंड ऑल्सो हमारा जो साइकिल है वो 4-5 डेज चलता है, तो आप सोच सकते हैं कि एक लड़की पूरे एक महीने के साइकिल में कम से कम 12-15 सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं एंड उसको हम थ्रो आउट कर देते हैं। एंड इसी तरह से कई सारी लाखों लड़कियाँ, करोड़ों लड़कियाँ इस दुनिया में पैड्स इस्तेमाल करती आ रही हैं सालों से, एंड अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना सारा यूज़ किया हुआ पैड्स हमारे इस अर्थ में अभी भी पड़ा हुआ है, जो कि अभी तक नष्ट भी नहीं हुआ है। तो कितना हैज़ार्डस, कितना डेंजरस है हमारी पृथ्वी के लिए, ये तो है ही। साथ ही साथ हमें वो एक्नॉलेज नहीं था कि मेंस्ट्रुअल कप हम यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ का। आई नो ये मैं खुद बोल रही हूँ, क्योंकि मैं अभी तक पैड्स इस्तेमाल करती आई हूँ, क्योंकि मुझे मेंस्ट्रुअल कप के बारे में नहीं पता था। पता तो था, मैंने परचेज करके रखा भी था कुछ महीनों पहले तक, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि मैं उसको यूज़ करूँ। तो मैंने यूज़ करना कैसे स्टार्ट कर दिया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इस महीने फर्स्ट डे मैंने पैड यूज़ किया। तो क्या हुआ कि जो मेरी सैनिटरी नैपकिन है वो ख़त्म होने वाली थी, मुझे नया ऑर्डर करना था, नया खरीदना था। तो उससे पहले मेरे दिमाग में आया कि चलो मेरे पास तो मेंस्ट्रुअल कप है, क्या मैं एक बार उसको ट्राई करके देखूं कैसा होता है। तो मैंने वापस से सारा रिसर्च गूगल करना स्टार्ट कर दिया, मैंने यूट्यूब में कई सारे वीडियोस देखे रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल कप की, टू गेन द कॉन्फिडेंस कि मैं उसको यूज़ कर सकूं। और आफ्टर गेनिंग कॉन्फिडेंस मैंने ट्राई किया कि चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, बाहर तो अभी नहीं जाना है तो एक बार घर में ही ट्राई करके देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं देख लूँगी। तो फिर मैंने उस दिन से मैंने ट्राई किया मेंस्ट्रुअल कप, एंड बिलीव मी I'm not going back to the pads anymore. Menstrual cup इतना 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 अच्छा है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप periods में हो। You will feel like जो आपका normal days है ना, वही days आपके चल रहे हैं। Normal days आपको periods है ही नहीं, आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं चलेगा, and it is amazing. So guys, ये है menstrual cup, ये कुछ इस तरीके का दिखता है। This is in a cup shape, और नीचे से एक tail जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये help करता है इसको निकालने में, वजाइना से निकालने में। ये जो रिम है इस कप का, ये जाके वजाइना में सील हो जाता है, एंड यहाँ पे आपका ब्लड कलेक्ट होता है, और उसके बाद आप इसको निकाल कर ब्लड को फेंकते हैं, क्लीन करते हैं, एंड देन यू अगेन पुट इट इनटू द वजाइना। एंड ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना है, जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है, तो आप अपने बॉडी में आराम से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। और तो और, आपको बस एक ही मेंस्ट्रुअल कप में इन्वेस्ट करना है, एंड इसको आप 10 साल तक इसी को रीयूज कर सकते हैं। तो हो गया ना, और एक मेंस्ट्रुअल कप आपको 200-300 रुपीज के बीच में पड़ेगा, एंड यू कैन यूज इट फॉर 10 ईयर्स कंटिन्यूसली, आप इसको यूज कर सकते हैं 10 साल के लिए। तो कितना ज्यादा इकोनॉमिकल, कितना ज्यादा इफेक्टिव है, यू आर सेविंग द एनवायरमेंट, यू आर सेविंग योर सेल्फ। मेंस्ट्रुअल कप को हमें वजाइना में इंसर्ट करना होता है, तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा सर्वाइकल एरिया है, सर्विक्स है, जहाँ पे बेबीज जो है वो डेवलप होते हैं, बच्चा दानी जिसको बोलते हैं। और जब बच्चे नहीं होते, जब हम प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, तो वहाँ से फिर हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, तो सर्विक्स के थ्रू हमारा ब्लड आता है। अभी हमें ये जो मेंस्ट्रुअल कप है, ये सर्विक्स के ठीक नीचे वजाइना के अंदर हमें इसको डालना होता है, एंड सर्विक्स के ठीक नीचे जाके ये फिक्स हो जाता है, वैक्यूम से सील हो जाता है, एंड ये आपके जो पीरियड ब्लड है उसको कलेक्ट करता है। एंड आपको यकीन नहीं होगा, आप इसको अपने वजाइना के अंदर 12 घंटे रख सकते हैं। पैड्स में टेंशन होती है कि हर 2 घंटे में, हर 1 घंटे में हमें जाके बाथरूम में चेक करना होता है कि लीकेज की चांसेस तो नहीं है, कहीं पूरा भर तो नहीं गया पैड पे, चेंज करना पड़ेगा, ये सब टेंशन रहता है। लेकिन आप यहाँ पे 12 घंटे बेफिक्र होकर कुछ भी कर सकते हैं। नाउ इसको इस्तेमाल करने से पहले, हर साइकिल में एवरी मंथ इस्तेमाल करने से पहले आपको स्टेरिलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। स्टेरिलाइज कैसे करेंगे, तो गर्म पानी, खौलता हुआ पानी आपको लेना है,
बॉइलिंग वाटर, इसमें आपको 3 to 5 मिनट्स आपको बॉईल करना होता है, इस तरह से स्टरिलाइज करना है ताकि इसमें जो भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो चला जाए, वो मर जाए, बिल्कुल क्लीन हो जाए। एंड देन स्टरिलाइज करने के बाद आप फिर से नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करके देन फोल्ड करके आप जैसे यूज़ कर सकते हैं वैसे आपको यूज़ करना है। तो इसको सबसे पहले, इसके कई सारे फोल्ड्स हम कर सकते हैं लेकिन सबसे इजी फोल्ड मैं आपको बताऊंगी वो है सी फोल्ड। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से बंद कर सकते हैं एंड यूं फोल्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सी फोल्ड। तो अभी इसको आपको इंसर्ट करना होता है। तो जैसे ही आपने पूरा इंसर्ट कर दिया फिर आप इसको छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा एंड ये बिल्कुल सील हो जाता है, वैक्यूम सील हो जाता है। फिर जब आपका पीरियड ब्लड इसमें भर जाएगा, जब आपके 6 घंटे हो या 12 घंटे हो, आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपकी हैवी फ्लो है तो आप हर 4-5 घंटे में या 6 घंटे में इसको चेंज कर सकते हैं, इसको निकाल के वापस क्लीन करके इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल ब्लीडिंग होता है या स्लो ब्लीडिंग होता है तो आप हर 12 घंटे में इसको निकाल कर क्लीन कर सकते हैं। तो अब इसको निकालना कैसे है, तो आपको फिंगर्स इंसर्ट करना है वजाइना में एंड यू हैव टू पिंच इट ताकि जो वैक्यूम इसका सील है वो खुल जाए। एंड देन यू कैन जस्ट इसको ऐसे निकालना है एंड इसको आप टॉयलेट में डिस्पोज कर दें जो ब्लड को, एंड देन यू कैन क्लीन इट। क्लीन करने के लिए आप अनसेंटेड सोप का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इंटीमेट वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करके आप इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए एंड देन वापस से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट, सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होता है स्क्वाट पोजीशन। आप पूरा नीचे बैठ जाइए, उसके बाद आप इसको आराम से इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप एक पाव टॉयलेट सीट पे रख के, जहाँ पर मैं इमेज इंसर्ट कर दूंगी, इस हिसाब से आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप अपने ट्राई करते रहिए, जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगे, जिस पोजीशन में आपका अच्छे से हो जाता है काम, इस्तेमाल इसको आप कर सकते हैं, उसी पोजीशन पे आप यूज़ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप इसको इंसर्ट करते हैं ना, तो हमारी जो वजाइना है वो ड्राई होती है तो इंसर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो मेंस्ट्रुअल कप है इसको आप पानी से गीला कर लें। वैसे भी आप इसको वॉश करने ही वाले हैं एवरी टाइम यूजिंग इट, तो ये गीला रहता है तो ईजी हो जाता है इंसर्ट करना। अगर आपको ये इजीली इंसर्ट नहीं हो रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करें। ल्यूब्रिकेंट आप अपने वजाइना में लगा सकते हैं या फिर आप नेचुरल ल्यूब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल आप थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज वहाँ एक्ने होने का चांसेस होता है आपके वजाइनल एरिया में। तो उनसे उस चीज़ को अवॉइड करना है अगर, तो आप पहले ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल उस एरिया में लगा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए एंड देन उस एरिया को क्लीन कर सकते हैं ताकि आपको एक्ने ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी साइजेस की, कि आप कौन कौन से साइज, आपको कौन सा साइज जरूरत है। तो ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो चार्ट है आप देख सकते हैं, अगर आप लोग 18 ईयर्स के नीचे हैं, अगर आप 18 ईयर्स से कम है, टीनेजर्स हैं, आपको स्मॉल साइज चाहिए तो आपको स्मॉल साइज यूज करना है। एंड अगर आप लोग 18 ईयर्स के ऊपर हैं एंड आपकी ब्लीडिंग कम है, आप स्मॉल साइज यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपको फिंगर इंसर्ट करके देखना है, ये वाली जो फिंगर है इसको इंसर्ट करके देखना है। अगर ये हाफ तक आप पहुंच पाते हैं दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ स्मॉल साइज, अगर फुल फिंगर आपका इंसर्ट हो जाता है दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ मीडियम साइज। अगर आपकी ब्लीडिंग बहुत हैवी है, आपका चाइल्ड बर्थ हो गया है, देन आपको मीडियम साइज यूज़ करना है, अदरवाइज आपको स्मॉल साइज यूज़ करना है। वैसे तो ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग साइजेस आते हैं, किसी के एक्स्ट्रा स्मॉल भी आते हैं, किसी के स्मॉल एंड मीडियम ही सिर्फ आते हैं, किसी के सारे साइजेस आते हैं, किसी के एक्स्ट्रा लार्ज भी आते हैं। तो इन सब में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप लोग या तो स्मॉल या तो मीडियम, इन दोनों में से जो भी आपका जो भी कैटेगरी है वो चूज़ कर लीजिए, उस हिसाब से आपको यूज़ करना है। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है, द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपका चेक करके आपको बता देंगे कि आपको कौन सा साइज आपके लिए अप्रोप्रिएट है। क्या ये पेनफुल होता है? तो आई वुड से कि बिल्कुल पेनफुल नहीं होता। अगर आप
ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज़ करके आप इसको इंसर्ट करेंगे और विदाउट यूजिंग ल्यूब्रिकेंट ऑल्सो पेन नहीं होता है, इंसर्ट करने के वक्त भी नहीं होता, निकालने के वक्त भी नहीं होता या लगाने के बाद भी नहीं होता, कोई पेन नहीं, ज़ीरो पेन है इसमें। इस मेंस्ट्रुअल कप को कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है? कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इवन इफ़ यू आर नॉट सेक्शुअली एक्टिव। टीनेजर्स जो 12 साल की बच्चियाँ होती है वो भी मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़कियाँ जो लोग सेक्शुअली एक्टिव नहीं हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सब इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि हाँ ये सारी लड़कियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। एवरी वन कैन यूज़ मेंस्ट्रुअल कप। कैन आई स्लीप विथ मेंस्ट्रुअल कप? क्या हम मेंस्ट्रुअल कप पहन के सो सकते हैं? जी हाँ, आप किसी भी तरीके से सो सकते हैं, किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं, बिंदास आराम से सो सकते हैं, इनफैक्ट आप नेकेड सो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप पहन के क्या हम पी कर सकते हैं, फिर हम क्या हम टॉयलेट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, आपको मेंस्ट्रुअल कप निकालने की ज़रूरत नहीं है। मेंस्ट्रुअल कप के साथ ही आप पी भी कर सकते हैं, टॉयलेट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एंड ये बिल्कुल नहीं निकलेगा बिकॉज ये वैक्यूम्ड सील्ड रहता है, जब तक कि आप इसको अपनी उंगली से दबाकर यूं पिंच कर ना निकाले तब तक ये आपके बॉडी से नहीं निकलेगा। कंडीशन इज कि आपने इसको सही तरीके से अंदर डाला है और ये सही तरीके से खुला है, तो आप एक बार अपना फिंगर इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपको अगर लगता है कि ये मुड़ा हुआ है तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं ताकि ये खुल जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे बच्चों का रहेगा, टीनेजर्स का रहेगा, कि मैं अपनी मम्मी को कैसे बताऊं कि मुझे मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना है? देन मैं आपको कहूँगी कि ये वीडियो आप ज़रूर अपने मम्मी को दिखाइए, उनको शेयर कीजिए, उनको नॉलेज दीजिए कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग टीनेजर्स हैं, मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने मम्मी के साथ आप गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, वो लोग आपका जो वजाइनल साइज़ है, आपका आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं, वो आपके वजाइनल साइज़ के अकॉर्डिंग, आपके ब्लीडिंग स्पीड के अकॉर्डिंग आपके लिए अप्रोप्रिएट मेंस्ट्रुअल कप का साइज़ आपको वो बता देंगे। मैं कौन से ब्रांड का यूज़ करती हूँ, तो मैं यूज़ कर रही हूँ पी सेफ का, तो आप लोग कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि पी सेफ का यूज़ करना है। एंड कोई कोई आपको बताएगा कि आप इस नीचे वाले जो टेल है इसको ट्रिम कर दें, इसको ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग कि वजाइना में फाइंड आउट करने में हेल्प होता है, तो जब आपको ये मिलेगा तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसको ट्रिम मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना। सबको डर ये रहता है कि कहीं ये अंदर जाके खो ना जाए और मैं इसको निकाल ना पाऊँ, ये डर मुझे भी था, लेकिन अगर आप इस डायग्राम को देखें, जो सर्विक्स है हमारा, जो हमारा सर्विक्स है उसके अंदर ये जा ही नहीं सकता है क्योंकि इसका डायामीटर ही कुछ ऐसा है, आपका सर्विक्स में जाके ये अटक जाएगा, ये अंदर ही नहीं जाएगा, वहीं पे अटक जाएगा, तो अंदर जाके खोने के चांसेस है ही नहीं, आप इसको आसानी से अंदर आराम से छोड़ सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई डर की बात इसमें है ही नहीं। आई होप कि मैंने जो भी डाउट्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है मैं पूरा दे पाई हूँ। अगर कुछ भी मिस हुआ हो और आपको लग रहा है कि कुछ मिस हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो के बाद कि हाँ मैं शायद यूज़ करना स्टार्ट कर दूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका इस्तेमाल करें, एंड अपने फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑन कर दीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।